ये देखेंगे। रिकॉर्डिंग कर So yesterday we have discussed about the आपका elongation मतलब derivative of the twill, ठीक है ना, effect of the twist on the twill V, है ना, तो how the twist of the yarn effect to the yarn, ठीक है ना। Today I will discuss mainly the आपका terrapin, देन आपका हेरिंग बोन ट्वेल एंड द वेट फोर्ड कार्ड, है ना, दीज आर ऑल इन योर गेट, है ना। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द टेरिफाइन अगेन, है ना, सम पार्ट इज लेफ्ट, सम पार्ट आई हैव डिस्कस, तो आई टेक द टेरिफाइन। This is also known as the Turkish weave also. Basically, this weave was developed in the Turkey by the some aapka fault in the weaving. Defective fabric was produced and it has the formation of the loop on the surface and so it was found that the absorbency of this type of the fabric is correct 100%. So we started to make the terrapin. Clear? Now the we have discussed that the in the terrapin we can make the pile on the surface, face pile. Then on the both the sides or on the back side. Normally the count used is 2/14 any. About this count is used and fiber used is the cotton. Sometimes the cotton plus viscose. Just to make that clear, nowadays some different fibers are used in place of this, have some properties, hai na? Yesterday we discussed in detail, hai na? Now I discuss again the manufacturing of the pile on the surface. Clear?
तो आपके दो मेथड्स हैं, एक मेथड होता आपका कि यह आपका फिल ऑफ द क्लॉथ है ना, वन मेथड इज द फिल ऑफ द क्लॉथ इज फिक्स, फिल ऑफ क्लॉथ फिक्स एंड द रीड इज वेरिएबल, तो वी हैव डिस्कस दिस मेथड यस्टरडे है ना, तो इन दैट द दिस इज योर द एफ फिल ऑफ द क्लॉथ एफ क्लियर एंड द रीड इज here and the gap is created between the fill of the cloth and the reed, hai na, this is your the reed, so this gap is responsible for making the loop on the surface, ye jo aap loop dekh rahe hain hai na, ye loop, ye jo gap hota hai usi ke hisab se, to aapke gate pe question pucha jata hai kitna gap hum rakhte hain या लूप की साइज ये है तो गैप कितना होगा, है ना, तो इसी क्वेश्चन को कई टाइप से आपके पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये मेथड के अंदर इसको बोलते हैं आपका लूज पिग, तब मैंने आपको बताया था कि ये दो फिल ऑफ द क्लॉथ और रीड के बीच में जो गैप होता है आपका, अगर आपका 6 mm का गैप है तो आपका लूप होगा आपका 3 mm. This type of the questions are asked in the gate, है ना? अगर आपका 4 mm का है तो आपका 8, 12 का है तो इस तरीके से जैसी हमको रिक्वायरमेंट होती है कपड़े के अंदर तो उसी हिसाब से हम गैप को मशीन के ऊपर सेट कर देते हैं और उतना हमारा लूप पाइल बनने लगता है, ठीक है ना? अब दूसरा क्या हो जाता है, फास्ट पिक, फास्ट पिक के अंदर क्या हो जाता है, ये आपका फिक्स है, और रीड आपकी जो है रीचिंग टू द फिल ऑफ द क्लॉथ, तो दिस इज कॉल्ड द फास्ट पिक, तो इन द थ्री पिक थ्योरी वन लूप इज फॉर्म बाय थ्री पिक, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज द थ्री पिक, तो थ्री पिक मतलब लूज लूज फास्ट, फोर पिक मींस द लूज लूज फास्ट फास्ट, फाइव पिक मींस द लूज लूज फास्ट फास्ट फास्ट, सिक्स पिक मींस द लूज लूज फास्ट 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 फास्ट, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क इन द गेट, आपको इस पर हजारों क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, इफ यू आर इफ द कंसेप्ट इज क्लियर देन यू कैन रिप्लाई एनी ऑफ द क्वेश्चन, क्लियर, मतलब वन लूप विल फॉर्म इन द थ्री पिक, है ना, वन लूप, हियर द फोर्थ पिक, तो वेयर इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम आपका होगा थ्री पिक, क्योंकि तीन पिक के अंदर आपका ये लूप आपका फॉर्म हो रहा है, जैसे ये आपकी टॉवेल है तो है ना, तो इसके अंदर जो लूप आपका है, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं लूप, तो ये लूप आपका तीन पिक से बनेगा, और जब आपका फोर पिक है तो चार पिक से, इफ इट इज द फाइव पिक है ना, तो फाइव पिक विल बी यूज, तो जैसे जैसे आपका नंबर आप पिक बढ़ते जाएंगे तो प्रोडक्शन आपका कम होगा, तो जो हमारा टॉवल पर्पस का होता है वो तो हम थ्री पिक यूज करते हैं, लेकिन कुछ अपोस्ट्री में यूज करते हैं, अपोस्ट्री मतलब ये होता है कि सोफा सेट है कार का, कार की जो सीट होती है उसके ऊपर, है ना, तो इस सब के अंदर जो लूप होता है हमारा तो बहुत ही ज्यादा फास्ट बनाया जाता है, फास्ट मतलब ये हो जाता है लूप आसानी से सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना, और आसानी से निकल जो निकल जाता है उसको बोलते हैं स्प्राउटिंग डिफेक्ट, तो आपका थ्री पिक के अंदर क्या होगा, स्प्राउटिंग डिफेक्ट होता है, लूप आसानी से कपड़े से बाहर आ जाता है, आप देखते हैं टॉवल को 5, 6, 7, 8 बार आप
क्लीन करते हैं तो आप ये देखते हैं छोटे छोटे लूप निकलना शुरू हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं आपका स्प्राउटिंग डिफेक्ट, ठीक है ना। तो आपका 6 पीक के अंदर 5 पीक के अंदर ये कम होगा, इज इट क्लियर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका ये वन मेथड है, इसमें इसमें आपका फिर आपका क्लॉथ फिक्स है। दूसरा मेथड होता है आपका रीड इज फिक्स, ये तो ये मेथड हो गया है। दूसरे के अंदर फिक्स रीड, बट फिर आपका क्लॉक, वो कैसे होगा आपका, ये आपकी रीड फिक्स है एंड दिस इज द फिल ऑफ द क्लॉक, और ये जो गैप होगा आपका ये लूप बनाएगा। अब क्या होगा, रीड हमारी फिक्स है और आपका फिल ऑफ द क्लॉक आपका मूव कर जाए, है ना। तो यहां पर आपका जो ये फिक्स था और ये आपका मूव कर रहा, एक मेथड होता बनाने का। दूसरा मेथड होता है रीड आपकी फिक्स है, फिल ऑफ द क्लॉक आपका मूव करेगा। तो दोनों मेथड आपके इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, है ना। तो चूंकि आपके अंदर कोई न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, खाली हम आपको बेसिक प्रिंसिपल बता रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, है ना। लेकिन अगर आपको ट्राइडेंट ग्रुप, वेलस्पन या वहां जाना तो आपको सब स्टडी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था इंडस्ट्री के अंदर जो आपका लूप बनता है ना, तो इसके अंदर आप देखें तो आपके 2 पाइल हैं, एक आपका पाइल बीम है और दूसरा आपका ग्राउंड बीम है, ठीक है ना, दिख रहा आपको, ठीक है ना। ये आपका ग्राउंड बीम है नीचे वाला जो लेटाप से ऑपरेट होता है, और एक आपका पाइल बीम है। तो सच टाइप ऑफ द मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व ऑन द पिकालो लूम, दिस इज द टेरी प्लस, हाँ ये आपका पिकोनॉल कंपनी है जो टेरी भी बनाती है। तो इसके अंदर सब एडजस्टमेंट आपके सर्वो मोटर से होते हैं, हमको सेटिंग करनी पड़ती मशीन पर। पहले जो मैकेनिकल टाइप के होते थे तो उसके अंदर हम मैनुअली कर देते थे, अब ये जो लूम्स आ गए हैं दे आर फुली ऑटोमेटिक एंड दे आर वी सेट द लेंथ एंड एवरीथिंग, है ना। आपको ये टॉवल आपको बनानी है, ये टॉवल, तो हम क्या करेंगे, टॉवल की लेंथ आपका 18 इंच फिट कर देंगे, तो उतने इंच के बाद आपका ये सिल्वेज आ जाएगा, ऑटोमेटिक टॉवल आपका बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना आपको लूप रखना है, 3 पिक 4 पिक 5 पिक, तो वो सेटिंग हम मशीन के ऊपर कर देते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा पाइल बीम ऑपरेट होता है ना। मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको दिखा दूंगा, है ना, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव है तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। तो वो क्या है कि कैसे आपका लूप बनता है आपका, जैसे आप देखें तो ये आपका कपड़ा आपका बन रहा है, ठीक है ना, और इसके अंदर ये सर्वो मोटर लगी हुई है और ये आपका टेकअप हो रहा, ठीक है ना, और ये देखिए आपका ये फैब्रिक आपका बन रहा है। तो इस टाइप से फैब्रिक आपका बनता है, ठीक है। और आपकी ये देखिए एक बीम ये लगी हुई है, ये पाइल बीम है और दूसरी आपकी ग्राउंड बीम है। अब मैं डिजाइन बनाने जा रहा हूँ ग्राउंड बीम और पाइल बीम। तो वर्कर क्या करता है, ये जो ग्राउंड बीम आपका पाइल बीम होता है, ये जो आप देख रहे हैं है ना पाइल बीम, तो ये क्या करता है वर्कर, जैसे आप नाइट शिफ्ट में गए तो वो क्या करेगा, ये फ्री होता आपका, तो वर्कर आपका वेट बढ़ा देगा, और जैसे आप शिफ्ट में गए तो साहब ये 100 लूम के ऊपर पाइल नहीं बनना, जरा देख लीजिए आप,
अब आप अपना दिमाग लगाओ कि क्या करें क्या करें, है ना, आपको नॉलेज नहीं पिकर लो टेरी वीट के बारे में, ठीक है, तो रात भर आप परेशान रहोगे और वर्कर इंजॉय करेंगे। अगर आपको नॉलेज है तो तुरंत आप बीम को फ्री करोगे, पाइप बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो जब हमारा ये पोर्शन बनाना होता है ये वाला, तो हम क्या करते हैं, टेंशन को बढ़ा देते हैं, तब आपका सेल्वेज आपका बन जाता है, ठीक है। और जब पाइल बनाना होता है तो हम टेंशन को पाइल, वो आपका पाइल बीम के टेंशन को कम कर देते हैं, और जैसे ही बढ़ाएंगे तो ग्राउंड बनने लगेगा, तो वर्कर क्या करेगा, ग्राउंड बनाना आपको दिखा देगा, है ना। तो इस तरीके से आपका वर्कर इंडस्ट्री के अंदर टेस्ट लेगा। तो ये आपका पिकानोल का है, और डिटेल आप यहाँ क्लासेस करेंगे, है ना। ये आपका जैकार्ड फिट है, इसके ऊपर ये आपके डिफरेंट मोशंस हैं जो इसके ऊपर लगे हुए हैं, है ना। ये मैं आपको एयरजेट लूम के ऊपर बताऊंगा पीएफटी डायग्राम वाला कैसे सेट किया जाता है एयरजेट मशीन पर। अब ये टावेल के पार्ट होते हैं, ये जो होता है आपका सेल्वेज है, और ये आपका ये जो है आपका कॉर्ड, ये यहाँ कटिंग इंड होते हैं, और ये आपका सेल्वेज होता है, ये जो है आपका पाइप पार्ट होता है, ठीक है ना, और ये आपका डिजाइन वगैरह दी गई है ना। तो इस तरीके से आपका टॉवेल को हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाता है कि अब ये टॉवेल भी आपके कई टाइप के होते हैं। ये टॉवेल आपका जो है MLVTI में लड़कों ने बनाया प्रोजेक्ट पर, कैड सिस्टम के ऊपर डिजाइन बनाई है, और उसके बाद फिर वो हैंडलूम के ऊपर ये टॉवेल तैयार किया गया। अब इसके अंदर आप देखें तो आपका जो लूप है दो टाइप का है, है ना, एक है आपका ग्राउंड और एक है आपका पाई, और पाई के अंदर भी दो कलर है, एक आपका लाइट कलर है और एक आपका डार्क कलर है। तो आप देख रहे हैं जो डक बनी हुई है ना, तो इसके अंदर दो कलर आपके यूज किए गए पाइप के अंदर, है ना। और इसके बैक साइड में आप देखें यहाँ पर लाइट है, तो यहाँ पर आपका डार्क होगा, अपोजिट आपका होगा, ठीक है। तो ये जो बनी है आपका डॉबी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, और ये जो होती है आपका, ये भी आपका टॉवेल है, ठीक है ना। तो ये क्या जाता है कि ये इन सब के अंदर ये डिफरेंट टाइप की टॉवल्स हैं। अब हम आते हैं आपका टेरी मैकेनिज्म, कल मैंने आपको बताई थी, है ना। तो ये दो मेथड से हमारे इसके अंदर आपका ये फिक्स है, और रीड आपका चेंज करेगी, लूज रीड और फास्ट रीड। इसके अंदर क्या हो जाएगा, रीड आपकी फिक्स है और आपका फिल ऑफ द क्लॉक मूव करेगा, ठीक है। तो सब मशीनें जो है वो ज्यादातर इन्हीं प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। तो नाउ आई टेक द कल मैंने आपको बताया था हम थ्री पीक टेरी, मतलब तीन पीक होंगे, लूज लूज एंड फास्ट, और दो टाइप के इंड होंगे, लूज लूज फास्ट, और आपका ये ग्राउंड, ये पाइल, ये ग्राउंड, ये पाइल। तो आपके दो बीम मैंने बताया आपका, एक होता पाइल बीम और दूसरा होता आपका ग्राउंड बीम। जो ग्राउंड बीम होता है ये हाई टेंशन पर होता है,
और ये जो होता है आपका लो टेंशन। और यहीं पर आपका थोड़ा सा वेट आपका लगता है, लाइट वेट है ना। और अब आपका क्या होता है कि वर्कर क्या करेगा, जब आपका पाइल बनाना है तो हम वेट हटा देते हैं, और पाइल नहीं बनाना है तो वेट को लगा देते हैं, है ना। ये पोर्शन अगर आपको बनाना है पाइल वाला तो हम वेट को हटा देते हैं, और अगर आपका ये पोर्शन बनाना है ना, ये पोर्शन मतलब ग्राउंड वोवेन, तो हम वेट को बढ़ा देते हैं। तो वर्कर क्या करता है रात में, अब आप बी शिफ्ट में पहुंचे 11 बजे नाइट शिफ्ट में, आप शिफ्ट इंचार्ज हैं, आपके टेरिटोरियल प्लांट आपने ज्वाइन किया है ना, तो वर्कर आपके पास आएगा और वो क्या करेगा, वेट बढ़ा देगा और आपसे कहेगा यादव जी ये देखिए पाइल नहीं बन रहे इसके ऊपर, देखिए जरा। अगर आपके पास नॉलेज है तब तो आप कर लोगे, नई नॉलेज है तो फिर सुबह आपको जवाब देना पड़ेगा ये लूप बने क्यों नहीं। तो वर्कर क्या करता है, आपका टेस्ट लेगा। जैसे मैंने कल आपको बताया स्पिनिंग के अंदर जाते हो तो आपका 32 काउंट चल रहा था, अब आपको 28 काउंट बनाना है या 18 काउंट बनाना है, तो आपके पास वर्कर आएगा क्या क्या यादव जी बताइए रिंग फ्रेम पर हम कैसे ये ड्राफ्ट चेंज करें। अगर आपको आता है बैक ड्राफ्ट और फ्रंट ड्राफ्ट को चेंज करना तब तो आप कर लोगे, नहीं तो फिर आपका धागा नहीं बनेगा। और सुबह हो सकता है अगर कपड़ा नहीं बना 100 लूम के ऊपर तो आपका हिसाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर आप ये देखते हैं ट्राइडेंट ग्रुप, वेलस्पन ग्रुप है ना, वर्धमान ग्रुप, इनके सबके ट्राइडेंट ग्रुप के बड़े बड़े टेरिटोरियल के प्लांट हैं, है ना। तो जब आपकी तनख्वाह 25 लाख या 12 लाख होती है तो यू मस्ट हैव कमांड ऑफ द टेरिटोरियल। कल मैंने आपको बताया था इस पर आप प्रोजेक्ट करिए जा करके 2 महीने 15 दिन का वहां टेरिटोरियल पर, और मैंने कल आपको बताया था है ना, आज फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है आपका यहां पर हम ग्राउंड के अंदर हम रिब स्ट्रक्चर भरते हैं, 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन वार्प रिब। रिब इसलिए बनते हैं कि टॉवेल हमारा सॉफ्ट होता है, अगर हम प्लेन भरेंगे तो हार्ड बन जाएगा, और दूसरा रीजन मैं और आपको बताऊंगा है ना। अगर आपने प्लेन भर दिया तो टॉवेल बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब यही भी हम यहाँ पुट अप कर देंगे, ये इंड आपका आ गया यहाँ पर और ये इंड आ गया यहाँ पर। और अगर आपको फेस में बनाना है ना, फेस साइड में, तो आपका ये अप होगा और ये अप होगा और ये अप होगा और ये अप होगा। ऑलवेज जब भी आपको फेस बनाना कोई डिजाइन लूप तो फर्स्ट एंड लास्ट विल बी अप। अगर आपने यहां डाउन कर दिया तो आपकी लूप नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब नाउ इसका जो ड्राफ्ट होता है वो होता है आपका 1 2 3 4। मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों होता है आपका, है ना, कि आपको ये एंगल आपको रखना है, शेड एंगल ये आपको रखना है, थीटा बराबर मैंने बताया था आपको शेड एंगल। तो आपका ये जो होगा फर्स्ट फील्ड, ये आपकी 1 एंड 2 है, हाई टेंशन पर है, तो इसके अंदर कैटरी फॉर्मेशन नहीं होगा आपका, और जो आपका पाइल बीम है लूज होगा, तो ये आपका इस तरीके से जाएगा, ये कैटरी फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए इसको बैक फील्ड में लेते हैं क्योंकि वहां लिफ्ट ज्यादा होती है ना। ये हमने यहां ले लिया आपका 3 और यहां ले लिया 4। अब आपको क्या करना है कि इसीलिए ड्राफ्ट हमारा 1 3 2 4 होता है।
और डेंटिंग आपकी जो होती है 1 ग्राउंड 1 फाइल 1 ग्राउंड 1 फाइल, ठीक है ना। अब हम बताने जा रहे हैं डेरी मैकेनिज्म। तो ये आपका जो है क्या आपका लूज लूज फास्ट, लूज लूज फास्ट, लूज लूज फास्ट, ठीक है। अब ग्राउंड बीम आपका क्या है, टू अप वन डाउन, टू अप वन डाउन, फिर आपका टू अप वन डाउन जो जाएगा आपका जी वन, और जी टू आपका हो जाएगा उल्टा एकदम। ठीक है ना। और आपका पाइप कैसे बनेगा, आपका हमेशा यहां का ही फास्ट होगा, तो ये लूप आपका बना हो, फिर आपका फास्ट एंड लूज के बीच में लूप आपका फॉर्म होगा। ये फास्ट है और ये लूज है, ये लूप आपका बनेगा, फिर ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा आपका पी वन, ये हो जाएगा पी टू, ये भी आपका सेम होगा, ठीक है ना। अब रीड आपकी कहां पर है, ये आपकी रीड है, जब तक आपका, हमने आपको बताया रूट पिक के अंदर क्या होगा कि फिर आपका क्लॉथ और इसके बीच में गैप होगा, और ये जो ब्रिज आपका बनना है, ब्रिज क्योंकि आपका पाइप भी हमारा जो है लूज होता है ना फ्री, तो आपका जैसे रीड का आपका होगा, तो ये जो ब्रिज है ये लू बना देगा, ये रीड आपकी यहाँ पर आ जाएगी, जैसे फास्ट ब्रिज आपका पड़ेगा, और ये ब्रिज जो है आपका, ये आपका लू बना देगा यहाँ, ठीक है। और मैंने आपको बताया रीड हमने क्यों लिया था, वो पॉइंट डाउन, ये जैसे आपका फास्ट ब्रिज आपका पड़ेगा तो दोनों पिक आपके स्लाइड कर जाएंगे, अगर यहाँ प्लेन लेते हैं तो आपका लूप बनता ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका लूप फॉर्मेशन होता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। नाउ आई गो टू द मैकेनिज्म,
इसको बोलते हैं आपका बॉटम चाप। और इसको बोलते हैं आपका काउंटर चाप। और इसके ऊपर टीथ होते हैं 40 टीथ, और इसके ऊपर तो होते हैं आपके 30 टीथ, और यहीं पर आपका लगा होता है केन, डेरी केन। इस साइड से दिखा रहे हैं, इसको आप देखेंगे तो इस तरीके दिखेगा। यह आपका लूज है, यह आपका लूज है, यह आपका पास। साइड से देखेंगे तो ये ऐसे केन दिखेगा। और इसके ऊपर लगा होता है आपका एंटी फ्रिक्शन बाउल, और बाउल से लगा होता अपराइट शाफ्ट, और इससे लगा होता हमारी ये रीड। ये जो है आपकी रीड है, और ये आपका लीवर है, और ये आपका अपराइट शाफ्ट है, ये आपका एंटी फ्रिक्शन बाउल है। कैसे वर्किंग होती है, ये मोटर चल रही है, मोटर से मशीन चल रही है, ये कैरी गियर चलेगा, बॉटम गियर चलेगा, बॉटम शाफ्ट चलेगा, इसके ऊपर आपका गियर है काउंटर शाफ्ट, तो काउंटर शाफ्ट चलेगा, काउंटर शाफ्ट से आपका केन चलेगा, और एक केन के एक रोटेशन में 3 फीट पड़ेंगे। कौन कौन से? लूज लूज पास, एक रोटेशन। तो आपका क्या होगा, मान लीजिए 6 पिक्स आपके पड़ रहे हैं, 6 पिक्स, तो इसके कितने, तो 6 रोटेशन होंगे आपके क्रैंक गियर के, और आपके 3 रोटेशन होंगे बटन गियर के, तो काउंटर आपके कितने हो जाएंगे, दो आपका बटन चॉप, आपका
ट्रिक कैसे बनाते हैं, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। तो था थ्री पी, अब आपको फोर्थ पिक बनानी है। फोर्थ पिक के लिए तो फोर्थ पिक का मतलब हो जाता है लूज लूज पास पास, इस टाइप के एग्जाम आपके गेट में आते हैं कि फोर पिक में कितने पिक पड़ेंगे, तो आपको ये करेक्ट आंसर होगा लूज लूज पास पास, ठीक है ना। या पूछ लेगा कितने पिक फोर पिक में होते हैं, चार हजारों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका फोर पिक लूज लूज पास पास। यहां पर आपका ग्राउंड फाइल ग्राउंड फाइल, ग्राउंड के अंदर रिम स्ट्रक्चर हमेशा टू अप वन डाउन वन अप, यहां पर इसका उल्टा। और फिर आपका ये अप आपका ये अप, अगर आपका लूप आपका फेस पर बनाना या इसको भी आप कर सकते हैं, तो आपके पास दो तीन डिजाइन है आपके पास, तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, है ना। अब इसका प्रोसेक्शन देखें तो हमेशा डबल नंबर आप पिक आप ले लीजिए, एक लूज लूज पास पास, लूज लूज पास पास, और ग्राउंड के अंदर क्या आपका टू अप वन डाउन, फिर आपका थ्री अप वन डाउन वन, ये आपका दूसरा आ जाएगा अब आपका पाइल कैसे बनेगा, हमें हमेशा मैंने बताया आधा पाइल आपका इधर होगा और ये नीचे आएगा, फिर आपका टू फास्ट वन टूज, टू फास्ट वन टूज, इनके ऊपर आपका पाइप बनेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर चलेगा, ये तो हो जाएगा पी वन, ऐसे आपका पी टू हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका फोर पिक, या मैं फेस टाइप बताया, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, कोई सब्जेक्टिव पहले जो आते थे सब्जेक्टिव थे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ज्यादा मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ। स्लीप पर दैट इज कॉल्ड एज द हेरी पोर्ट्रेट डेरिवेटिव ऑफ द प्लेन व्यू, now I am coming to the very portrait, very portrait, very portrait क्या होती है, आपने आदमी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड देखी है very good, है ना, इस कपड़े के ऊपर इस टाइप का इफेक्ट आता है, तो इस टाइप इफेक्ट आता आपका, है ना, वो इस टाइप इफेक्ट आपका इस टाइप पे होता लाइक दिस। मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये आप ये तो पाइप के अंदर है, वैसे ये आपका हेरिंगबोन ट्विल इफेक्ट है, तो टेरी पाइप लेकिन ट्विल के द्वारा हम बनाते हैं, तो इफेक्ट आपका ऐसे ही आता है,
और मैं आपको दिखा दूं, ये इफेक्ट आपका, ये हेरिंग बोन इफेक्ट है। आप देखिए तो हेरिंग बोन टाइप से आपका दिख रहा, हालांकि ये वेलवेटेड ट्यूल नहीं है, लेकिन इफेक्ट कपड़े के ऊपर ऐसा ही दिखेगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड द हेरिंग बोन इफेक्ट, ठीक है ना, दिख रहा ना, हेरिंग बोन जैसे स्पाइनल कार्ड होती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, हेरिंग बोन। आप कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस ट्यूल लेते हैं, इवन नंबर आप, इवन नंबर ऑफ एरीज, ठीक है, या तो छह ले, या तो आपका छह लेंगे, आठ लेंगे, दस लेंगे, या बारह लेंगे, और आपका ट्विल जो होती है ट्विल, या फिर बैलेंस ट्विल, That is the 2 of 2 down, 3 of 3 down, 4 of 4 down, in place का हम सिलेक्शन करते हैं। अब जैसे आपको बनाना है आपका 2 of 2 down 12 और आपका इन से आपके 8 by 4, ये हमेशा इवेन नंबर में बनेगी, है ना, है ना। तो आपका अब क्या हो जाएगा, यहां तक तो एक डायरेक्शन, फिर अपोजिट, ठीक है ना। तो हम बी को पुटअप कर देते हैं, अब हम इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जहां आप है वहां डाउन कर देंगे, फिर ये जहां पर ये आप है तो इसको हम ये डाउन कर देंगे, फिर ये आपका उल्टा कर देंगे, फिर इसका उल्टा कर देंगे, तो ये क्या इफेक्ट देंगे आपका, हेरिंग बोन टाइप का इफेक्ट है ना, ट्विल के ऊपर, कपड़े के ऊपर, ठीक है ना। अब इसको कैसे बनाते हैं आपका, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट हमने, ठीक है ना। अब ये कैसा मिलता मिलता है इससे, और ये किससे मिलता होता है इससे, और ये आपका जो, ठीक है ना। अब पेक प्लान कैसा होगा आपका, ये हो जाएगा ड्राफ्ट, तो पेन प्लान कैसा होगा, तो फर्स्ट वाला आपका, सेकेंड वाला आपका, थर्ड वाला आपका, और फोर्थ वाला आपका, जो हो जाएगा आपका पेन प्लान, है ना। और मैं रिपीट कर दू, ये रिपीट हो गई, ये हो जाएगी आपका 8 into
वो अगर आपको 12 × 4 में बनानी है ना, तो आप क्या करेंगे, सेम डिजाइन हेरिंग बोन इसमें बना दिया आपका 12 × 4। आपको कहाँ डायरेक्शन चेंज करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर डायरेक्शन आपको चेंज करनी है। तो आप पहले तो 6 तक एक तरीके से जाओ, कैसे, ठीक है, अब आपका इसको उल्टा करना है, जहां आप है वहां डाउन, तो ये उल्टा करना है, जहां आप है उसका डाउन, तो ये आपका उल्टा करना है, फिर आपका इसका उल्टा करना है, फिर आपका इसका उल्टा करना है, फिर आपका इसका उल्टा करना है। जस्ट आपको क्या करना है, आधे के बाद उल्टा कर देना, ठीक है ना। अब आपका आपका चला जाएगा 6 तक के लिए, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर इसका उल्टा हो जाएगा। देख लीजिए इसकी वर्किंग और इसकी वर्किंग दोनों की सेम है, और इसकी वर्किंग और इसकी वर्किंग दोनों की सेम है, इसकी वर्किंग सेम है, इसकी और इसकी वर्किंग सेम है, इसकी और इसकी वर्किंग सेम, और इसकी वर्किंग सेम है, इसकी वर्किंग और इसकी वर्किंग। तो ऐसे ही आपका पैटर्न बन जाएगा, पैटर्न बिल्कुल सेम है डिजाइन, ये चलाएगा आपका पीपी। कितना पैटर्न, चलो एक लाइन में और बना देता हूँ हेरिंग बोन, ठीक है ना, आपको हेरिंग बोन फिर बनानी है 3 × 3 × 12 × 6 कॉन्स्ट्रक्ट हेरिंग बोन।
उसी के बाद एक्सेस चेंज करें। इसका उल्टा इसको निकालना।